हमरा खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो आज लेकर चलते हैं आपको हॉलीवुड की खबर की ओर। क्या आप जानते हैं एक बार जस्टिन बीबर ने एक कॉन्सर्ट में एक फैन द्वारा दिए गए गिफ्ट को लात मार दी और कहा आई डोंट वॉन्ट दैट। जी हाँ, जस्टिन बीबर सबसे प्रसिद्ध म्यूजिशियंस में से एक है। इसमें से कुछ का संबंध उनके यूनिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सोना से भी है। वे अक्सर कुछ सिचुएशंस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके के लिए विवाद में फंस जाते हैं। साल 2016 की बात करें तो उन्होंने एक फैन ने उन पर टोपी फेंकी और एक म्यूजिक कार्यक्रम के बीच एक फैन को उन्होंने फटकार लगा दी। जी हाँ, बता दें कि जस्टिन बीबर ने हाल ही में हुए एक वायरस के कारण खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस बीमारी को रामसे हंट सिंड्रोम कहा जाता है। इसके लक्षण के तौर पर उनके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर स्थिति के बारे में पोस्ट किया और वीडियो मंच पर वायरल हो गया। इसका मतलब ये भी है कि जस्टिन के सभी म्यूजिक कॉन्सर्ट जो अगले कुछ दिनों में निर्धारित किए गए हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिए जाएंगे। ये देखना बाकी है कि क्या वह इस साल अक्टूबर में योजना के अनुसार दिल्ली का दौरा कर पाते हैं या नहीं। अब बात करें साल 2016 की, तो साल 2016 में जस्टिन बीबर न्यू जर्सी में परफॉर्म कर रहे थे। वहीं एक लड़की ने उन्हें अपनी टोपी फेंक कर देने का गिफ्ट देने का फैसला किया। जस्टिन बीबर जो उस समय गाना गा रहे थे, उन्होंने उसी समय उनके कार्यों की निंदा की। जैसा कि उन्होंने माइक में कहा, जो कुछ भी आप मुझे मंच पर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी टोपी हो या कुछ भी हो, मुझे वो नहीं चाहिए। हालांकि वह यह महसूस करने बाद में उन्हें यह महसूस हुआ कि वे थोड़े मतलबी थे और उन्होंने माफी मांगी और इस तरह यह काम समाप्त हुआ। लेकिन उन्होंने महिला को यह बताने के लिए एक पॉइंट दिया कि उन्हें उस महिला ने उनके गाने का माहौल खराब कर दिया था। तो कुछ इस तरह की खबर थी ये। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें कि बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही चटपटी और मसालेदार सी खबरें हम लगातार यूं ही आप तक लाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने किसी पसंदीदा कलाकार के बारे में कोई जानकारी, तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।